Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a chatting application. And in this video, we are going to give functionality to our save image feature. So for example, यहाँ पे एक image है जो मुझे user ने भेजी है and I want to save into our application. So जब मैं ये button click करता हूँ, for now nothing happens. But what we want is ये जो भी image है वो download हो जाए और हमारे storage में save हो जाए. सो एक्चुअली अगर आपने एंड्रॉयड या iOS की थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की है देन यू माइट नो कि स्टोरेज रिगार्डिंग परमिशंस को हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है फॉर स्टोरिंग दिस इमेजेस, उन्हें डाउनलोड करना, उसे स्टोर करना एक्सेट्रा स्टफ. सो टू अचीव दिस टास्क एक्चुअली हम लोग एक प्री डिफाइंड पैकेज का यूज़ करने वाले जो हमारे वर्क को इतना सिंपल कर देगा, यू विल बी लाइक इट्स डैम ईजी. ओके, सो एक्चुअली गैलरी सेवर का यूज़ करने वाले, सो यू कैन सिंपली सर्च गैलरी सेवर फ्लटर एंड यहाँ पे ये दिखेगा. नाउ दिस पैकेज सेव्स इमेज एज वेल एज वीडियोज फ्रॉम नेटवर्क और यार टेम्पररी स्टोरेज से into directly Android's gallery or iOS photos. And one more note, जो भी URL है उसमें HTTPS contain करना चाहिए अगर आपको वो use करना है then. So for now simply just copy this package and simply move to our VS code and inside this pubsec.yml में इसे नीचे यहाँ पे paste करने वाला हूँ simply like this. एंड सिंपली मैंने यहाँ पे कमेंट डाली है फॉर स्टोरिंग इमेजेस इन टू आर गैलरी एंड सिंपली पबसेट को रन कर दो. एंड वंस ये पब गेट सक्सेसफुली रन हो जाए, एक्चुअली हमें कुछ परमिशंस डिक्लेयर करनी पड़ेगी हमारी एप्लीकेशन में फॉर यूजिंग दिस लाइब्रेरी. सो सबसे पहले एंड्रॉयड के लिए करते हैं. सो सिंपली ऐप के अंदर SRC के अंदर मेन एंड यहाँ पे एक फाइल है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML. एंड अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की होगी देन यू माइट नो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है. एंड हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन सम परमिशंस. सो एक्चुअली हमने यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन तक डिफाइन नहीं किया, इवन वी आर यूजिंग इट. सो मैं उसे भी डिफाइन कर लेता हूँ. सिंपली मैंने कुछ कोड स्निपेट्स पेस्ट किए. सो फॉर आर स्टोरेज परमिशन ये लाइन यूज़ होगी, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज. एंड फॉर इंटरनेट परमिशन हम लोग इंटरनेट का यूज़ करें. एंड वन मोर थिंग, अगर आप एंड्रॉयड 10 पे इस डिवाइस को प्रॉपरली वर्क कराना चाहते हो फॉर रिगार्डिंग स्टोरेज, आपको यहाँ पे एक और परमिशन रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, दैट इज़ रिक्वेस्ट लेगेसी स्टोरेज. सो सिंपली मैंने उसे भी पेस्ट कर लिया है. एंड यू कैन कॉपी दिस परमिशंस फ्रॉम माय गिटहब कोड्स. ओके, नाउ सिमिलरली हमें iOS के लिए भी एक थिंग डिक्लेयर करनी पड़ती है. सो एक्चुअली इफ़ यू लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन ना, इट विल शो अस कि iOS के लिए आपको ये NS फोटो लाइब्रेरी की परमिशन डिफाइन करनी पड़ेगी इन साइड दिस फाइल. एंड एंड्रॉयड के लिए आपको राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन लगेगी. सो ये हमने डिफाइन कर ली, हमें सेकेंड वन डिफाइन कर ली. सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड सिंपली मूव टू आर कोड्स. एंड मैं एंड्रॉयड वाला स्टफ को कोलैप्स करो एंड आफ्टर इन दिस iOS रनर के अंदर info.plist एंड सिंपली यहाँ पे मैं उस परमिशन को डिफाइन करने वाला हूँ फोटो लाइब्रेरी वाली. सो सिंपली मैंने वो परमिशन भी ऐड कर दी है फॉर स्टोरिंग इमेज इन टू गैलरी एंड इस फोटो लाइब्रेरी एड यूसेज डिस्क्रिप्शन. एंड ये दोनों काफ़ी ज़्यादा आपको सेम लगेगी बट दे आर बी डिफरेंट. ओके, नाउ विद दिस हमने परमिशंस भी डिफाइन कर ली. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इन टू आर डिवाइस. सो सिंपली मैं F5 प्रेस करता हूँ, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी. टिल देन हम लोग इसकी फंक्शनैलिटी पर वर्क करते. सो नाउ वॉट आई वॉन्ट इज वैन दिस सेव इमेज बटन इज क्लिक्ड. ओके, सो सिंपली दिस सेव इमेज, मैं यहाँ पे इमेज को सेव कराना चाहता हूँ. एंड हाउ वी कैन डू दैट, सो एक्चुअली मैं उस पैकेज की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसे रेफर करने वाला हूँ. इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे कोड्स दिए रिगार्डिंग द यूसेज, बट इफ़ यू मूव बिलो ना, यहाँ पे एक फंक्शन इन्होंने बना के दिया है सेव नेटवर्क इमेज एंड इट कैन ऑल्सो सेव अ वीडियो फॉर यू. ओके, बट फॉर नाउ वी वॉन्ट टू स्टोर दिस इमेज. सो ये जो भी गैलरी का स्टफ है मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ टिल हियर. ओके, मुझे एक्चुअली पैथ नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी पैथ है इमेज का. सो आई एम जस्ट पेस्टिंग इट आउट हियर. नाउ इट विल बी सेइंग आप इसे इम्पोर्ट कर लो. सो सिंपली एंड इम्पोर्ट पैकेज गैलरी सेवर एंड नाउ इट इज़ गिविंग मी सम एरर. सो फॉर नाउ मैं सेट स्टेट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ. यू विल सी यहाँ पे अभी भी कुछ एरर्स एग्जिस्ट करती हैं. द रीज़न इज़ ये एक्चुअली जो भी स्टफ है ना, ये बूलियन नल हो सकता है. ओके, सिर्फ बूल नहीं होने वाला. सो एक्चुअली वी कैन डू इट लाइक दिस एंड यहाँ पे हमें वो पैथ चाहिए. नाउ वी वॉन्ट द पैथ ऑफ दैट इमेज दैट वी वॉन्ट टू डाउनलोड. सो वी कैन सिंपली डू इट लाइक दिस विजेट डॉट मैसेज डॉट एंड सिंपली मैसेज. एंड इफ़ यू वॉन्ट आप इस पैथ को प्रिंट करा के भी देख सकते हो सिंपली यूजिंग लॉग.
सो सिंपली इमेज URL है, मैं यहाँ पे उसे प्रिंट करा रहा हूँ. एंड नाउ वंस दिस ऑपरेशन इज डन, सबसे पहले जो भी हमारा बॉटम शीट है ना, मैं उसे हाइड करना चाहूँगा. सो सिंपली कॉपी इट आउट एंड मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. एंड आफ्टर दैट वंस बॉटम शीट हाइड हो जाए, मैं डायलॉग शो कराना चाहूँगा डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी वो पर्टिकुलर थिंग है वो हुई है या नहीं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ़ सक्सेस इज नॉट इक्वल टू नल. एंड आफ्टर दैट सक्सेस जो है वो अगर ट्रू है, वो नल भी नहीं है एज वेल एज उसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी ना, इन दैट केस मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराऊंगा लाइक इमेज सेव्ड. सो सिंपली इमेज सक्सेसफुली सेव्ड एंड सिंपली कंट्रोल सेव. एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे एक अवेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा बिकॉज दिस स्टफ कैन टेक अ बिट टाइम. ओके सो सिंपली अवेट. एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये जो भी सारे हमारे कोड्स है ना, मैं इसे ट्राई कैच के अंदर रैप करूँगा बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स ये कुछ रैंडम एरर्स थ्रो कर सकता है. आई डोंट वॉन्ट उसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन रुक जाए. ओके सो मैं इसे ट्राई कैच में लिख रहा हूँ. एंड इफ सम एरर हैपन्स, ओके सिंपली प्रिंट दैट एरर. सो सिंपली लाइक दिस एरर वाइल सेविंग इमेज. एंड वन लास्ट थिंग, मैं चाहता हूँ वो जो भी इमेज सेव हो ना, वो एक स्पेसिफिक एल्बम क्रिएट करे हमारे एप्लीकेशन के अंदर. ओके विच मीन्स एक वी चैट नाम का फोल्डर क्रिएट कर लें, उसके अंदर वो उसे स्टोर करे. सो लाइक दिस. ओके सो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और पास कर सकते हैं. यहाँ पे एक एल्बम का नेम है और मैं उसे पास करने वाला हूँ. आई विल शो यू वॉट दिस एल्बम नेम मीन्स. सो मैं इसे कर रहा हूँ वी चैट. ओके लाइक आपने अगर गैलरी यूज़ किया तो वहाँ पे व्हाट्सअप करके सेक्शन होता है, स्क्रीनशॉट्स का सेक्शन होता है सिमिलरली. And now if I open any chat conversation and just long press on any image and click on this save image, and after that once image is saved it will show image successfully saved. Now what I am going to do is let's move to our application and let's say main apni photo gallery ko open kar leta hu. And okay yahan pe library mein one thing extra dikha rahe, so not now. And just click on this library and you will say यहाँ पे एक WeChat करके stuff बन चुकी है और उसके अंदर एक image आ चुकी है. And if you click on it, ओके यू कैन व्यू इट टू. लेट्स से मैं कोई दूसरी इमेज का ट्राई करता हूँ. ओके सो सिंपली लेट्स ओपन आर एप्लीकेशन एंड लाइक दिस. एंड लेट मी ट्राई दिस अबव इमेज. एक्चुअली मैंने ही सेंड किया बट स्टिल. ओके सेव इमेज एंड यू विल सी इमेज सेव्ड सक्सेसफुली. एंड यू विल सी यहाँ पे वो सेकेंड इमेज भी मूव हो चुकी है इन साइड दिस वी चैट सेक्शन. सो दिस वी चैट इज एक्चुअली द एल्बम नेम. सो ये आप कोई भी रख सकते हो. एंड दिस गैलरी सेवर विल डू आर वर्क फॉर सेविंग इमेजेस. So that's it for this video. I hope you enjoyed the video. See you in the next video. Till then, bye bye.